शकील बिन अनीब को ईसा अलैहिस्सलाम मानते कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल हम लोग मानते ना भाई, वो सब कोई है। क्या मानते ईसा? कि वो वही शख्स है, मेहदी और ईसा एक ही शख्स है। अभी बात चल रही है तो अभी चालू होगा ना मामला। तो भाई वही तो बात, धीरे धीरे कुछ जो है अभी यहाँ से जो स्टार्ट करूंगा ना मैं। अरे हम मानते बोल तो है ना, उनसे बोलो क्या मानते शकील भी अनेब को? हम लोग ईसा अलैहि सलाम मानते हैं। हम लोग उनको ईसा ही मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बात समझ आई? आप सुनो क्या मानते हैं इसको, शकील बिन अनीब को उनको अपना अमीर मानते हैं, शकील बिन अनीब और ईसा अलैहि सलाम जो थे ना, मतलब जिसके रूप में पेशेंट को भी मानता हूँ। सही बात, उसमें क्या? तो अब ये यही चीज, अब लोग सब लोग सुनो, बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो बात गुमराहियत की बोला है, ये लोगों से मनवा रहा है, तो इससे फितना फसाद शहर में होगा कि नहीं होगा? है ना, तो ये मालेगांव में फितना फसाद भड़काने के लिए आए। अब इसके लिए, हाँ इसके लिए इनको क्या करना है? हम लोग देखो, हम लोग तो इसमें यही है कि तुम लोग पर वाजे कर दे के गुमराह है। अब उनकी गुमराही के लिए कुछ और सबूत चाहिए क्या? नहीं, बहुत दे रहे। मेरा ये कहना है कि तुम लोग अपने हिसाब से समझदार लोग हो, क्या फैसला लेना है लो, इनको यहाँ से इनके सर्कल की पूरी मालेगांव के, मुझे पता है कौन कहाँ से आता है, पता है, मैं बोलूंगा नहीं। ये लोग ना तो मालूम है, दो लोग आते ना उनका पता चल जाएगा इतनी बात। यहाँ आते ना इधर इलाके के अंदर तो देवबंदी बन के आते, और बस स्टैंड के उधर नहीं नहीं जाते ना, तो वो लोग लेके गए ना, नहीं हरा साफा पहन के बैठे। हाँ बात समझ आ रही? उनको खाए, तुमको नहीं पता तो बोलो, तुमको मालूम भी तो बोलो, हमको पता ना। हाँ हमको पता है, जिम्मेदारी ना उनके ऊपर, वो संभालते ना। बात समझ आ रही है? तो ये इस तरह खा रहे हैं लोगों को जमात उनके, इनका है ना मौकिफ क्या है? सुनो, इनका मौकिफ है कि तबलीगी जमात इनका एक गुमराह जमात। सुन लो ना मेरी बात, तुम अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ सुनो। और इनको ये कहा गया है कि तुम उसमें वक्त लगाओ, वक्त लगाने के बाद छोड़ो, मुझे बताए ना मैं शकीलों से बात किया हूँ, और उसके बाद ये वक्त लगाते हैं और